हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 11 मार्च 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड के ऊपर। आज की डेट में मार्केट के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिला, उसके साथ साथ विप्रो की शेयर भी काफ़ी ज़्यादा वॉलीटाइल चला। काफ़ी टाइम पे यहाँ पे आप बोल सकते हो नेगेटिव में चला, बीच बीच में थोड़ा पॉजिटिव भी गया था और एंड दिया करीबन 0.37% डाउन में। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ के ऊपर लेकर चलता हूँ, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली विप्रो के साथ एक दूसरा बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का जो कंपनीज है, कंपनी का नाम है पेंडोरम टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों कंपनी का एक पार्टनरशिप हुआ है। तो कंपनी मिलकर क्या काम करेगा, देखिए, टिश्यू इंजीनियरिंग साथ साथ रीजेनरेटिव मेडिसिन। टुडे अनाउंस अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली पार्टनरशिप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इंपैक्ट आएगा कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी के जो बिजनेस है विप्रो के अंदर। तो इस टाइप के जो पार्टनरशिप होता है दोस्तों, इसमें फ़ायदा दोनों ही कंपनी को मिलता है, मतलब यहाँ पे विन विन सिचुएशन यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बात करेंगे विप्रो को लेके। तो विप्रो डेफिनेटली जो कि ये बेसिकली एक बाहर का कंपनी है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ है। तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट हमें आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में जरूर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर से भी अच्छा खासा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है। तो अगर हम बात करें विप्रो की शेयर, तो लास्ट कुछ टाइम से हमने देखा था जैसे मार्केट के अंदर गिरावट हुआ था, शेयर काफ़ी नीचे तक गया था। इवन 550 रुपये का जो लेवल है वो क्रॉस करके काफ़ी नीचे तक आया था। तो मार्केट के रिकवर होते के साथ साथ विप्रो का शेयर भी ऑलमोस्ट 9% के आसपास रिकवर हो चुका है। तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, जो लेवल पे बार बार इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है वो है 600 रुपये का लेवल। काफ़ी दिनों से हमने देखा कि इस ऊपर जाने की कोशिश किया, बट 600 रुपये के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो बाइंग लेवल रहेगा 600 के ऊपर जब शेयर पहुँच जाएगा एंड वहाँ पे स्टेबल हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। नीचे 550 रुपये के अगर आपको आसपास मिल जाए तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रख के। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे दूसरा जो आईटी के सेक्टर का कंपनी है इंफोसिस लिमिटेड। इसके ऊपर भी मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहा, बहुत पहले से था। इंफोसिस की शेयर काफ़ी अच्छे से रिकवर कर चुका है, मतलब अगर हम बात कंपेयर करें विप्रो के साथ तो इंफोसिस का शेयर और भी ज़्यादा में रिकवरी देखने को मिला। तो अगर हम बात करें दोस्तों इंफोसिस का शेयर का, हम टेक्निकल डिस्कशन बाद में करेंगे, फिलहाल दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक एक करके मैं आपको कवर करता हूँ। तो सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे मनी कंट्रोल के ऊपर, हॉट स्टॉक। तो बेसिकली आज का ही न्यूज़ है एकदम, इंफोसिस, GNFC एंड TCS कैन गिव 20-29% रिटर्न इन शॉर्ट टर्म, हेयर इज वाई। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कुछ शेयर को शॉर्टलिस्टेड किया गया शॉर्ट टर्म पर्पस। तो यहाँ पे टारगेट प्राइस भी बताया गया है, जैसे कि इंफोसिस बाइंग का रिकमेंडेशन आया है, जो लास्ट ट्रेड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1820-30 के आसपास शेयर ट्रेड करे। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखने के लिए बोला है 1650, क्योंकि हमने देखा 1670-80 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शेयर के लिए। तो टारगेट प्राइस दिया दोस्तों, ये काफ़ी एनकरेजिंग टारगेट है। और अगर हम बात करें शेयर में उतना पोटेंशियल है इस टारगेट को अचीव करने का, बट फिलहाल सब कुछ डिपेंड करता है वॉर के ऊपर, क्योंकि एक भी नेगेटिव न्यूज़ में मार्केट गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मैं तो आपको बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कीजिए। दूसरा जो न्यूज़ है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो दूसरा न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्फोसिस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम आर पार्टनर नाउ। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले हमने देखा था विप्रो के साथ भी एक दूसरा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे बेसिकली इंफोसिस एंड दूसरा और एक कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल इस हॉल ऑफ फेम सॉरी यहाँ पे दोनों कंपनी मिलकर पार्टनरशिप किया। तो डेफिनेटली इस टाइप का पार्टनरशिप विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है, दोनों ही कंपनी के यहाँ पे फायदा मिलता है। तो इंफोसिस की अगर हम बात करें, इसको लेकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया का टॉप 5 जो कि लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी में से नाम आता है, इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कंपनी। तो डेफिनेटली बहुत पहले से मेरा रिकमेंडेशन था, इसके अंदर अगर आपको निवेश करना है तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा 1800 रुपये के लेवल के ऊपर, जो कि काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। बट हाँ, कभी भी गिरावट के लिए तैयार रहना, मार्केट पूरा डिपेंड कर रहा है यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर गिरावट हुआ मार्केट के अंदर तो इन्फोसिस के शेयर के अंदर भी होने का चांस है। तो ये सब कुछ दिमाग में रखते हुए इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, मेरे इसमें नेक्स्ट अपडेट है, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार कंपनी टाटा ग्रुप से टाइटन कंपनी लिमिटेड, हमारा आपका सबका पसंदीदा कंपनी, आज की डेट पर करीबन 1% जंप लगा के क्लोजिंग दिया, लगभग 2500 के आसपास फिर से पहुंच चुका है, जो कि बीच में हमने देखा था ये शेयर जैसे मार्केट गिरा था काफ़ी नीचे तक आया था, उसके बाद लास्ट कुछ टाइम से काफ़ी शानदार एक रिकवर भी देखने को मिला। तो टाइटन के ऊपर जो न्यूज़ है, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइटन कंपनीज अर्म्स टू एक्वायर 17.5% स्टेक। तो बेसिकली दूसरा एक कंपनी के अंदर लगभग 17.5% का स्टेक एक्वायर किया है ग्रेट हाइट फॉर 152 करोड़, तो टोटल 152 करोड़ के थ्रू। तो अभी ये जो कंपनी के अंदर एक्वायर किया है दोस्तों, ये भी सेम टू सेम सेक्टर, यानी टाइटन जिस सेक्टर के काम करता है
तो ये कंपनी बेसिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है ग्रेट हाइट। तो ग्रेट हाइट बहुत ही शानदार एक कंपनी है, एकदम सेम टू सेम मतलब ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर ही कंपनी काम करती है। तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा एक्विजिशन यहाँ पे आप बोल सकते हो, जिस कारण आज के डेट में मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ भी शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो टाइटन को लेकर कुछ बोलना नहीं, इसके पहले मैं बहुत बार रिकमेंड भी किया था, इवन जब जब मार्केट के अंदर गिरावट आए डेफिनेटली दोस्तों टाइटन जैसे क्वालिटी एंड सेफ स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। लॉन्ग टर्म का अगर हम बात करें रिटर्न्स, तो आप देख ही सकते हो कितना जबरदस्त रिटर्न कमा के दिया अपने शेयर होल्डर को। तो आपके पास अगर शेयर है सेल करने की गलती मत करना, दूसरा जितना हो सके बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी से पिक करते जाइए। तो दोस्तों हमारे इसमें नेक्स्ट अपडेट है एक सरकारी कंपनी, कंपनी का नाम है NHPC लिमिटेड। बेसिकली शेयर का प्राइस भी बहुत ही कम है, 28.50 रुपये के आसपास इसका एक शेयर मिल जाएगा, बट एक PSU कंपनी है, तो जिस कारण एक तो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी साथ साथ आपको गिरावट भी नजर आएगा। हाँ, बट लास्ट एक साल में शेयर ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया, मतलब कोल इंडिया का टाइप का केस है, आप बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी, बट एक ही बात सही है कि PSU स्टॉक होने के नाते एक तो इसका वैल्यूएशन बहुत चीप है, उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड बहुत तगड़ा देता है, मतलब 7-7.5% का डिविडेंड आप सोच ही सकते हो कि कितना जबरदस्त डिविडेंड देता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बोलूंगा, यहाँ पे आप देखिए NHPC पे इंटरिम डिविडेंड 933 करोड़ टू सेंटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 20। तो मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर 22 चल रहा है ऑनगोइंग, क्वार्टर 3 तक हुआ है, टोटल अभी तक 933 करोड़ का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे दे चुका है किसको, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो गवर्नमेंट कंपनी से गवर्नमेंट कमाता कैसा है, समझ लीजिए ये कंपनी कुछ सर्टेन यहाँ पे प्रॉफिट किया, 100 करोड़ प्रॉफिट किया, तो गवर्नमेंट चाहे भी तो यहाँ पे ये 100 करोड़ नहीं ले सकता कंपनी में से, अगर उनको लेना है तो उसको डिविडेंड के थ्रू लेना पड़ेगा। तो जिस कारण हमने देखा ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपनी जो सरकारी कंपनीज है बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करते, चाहे आप कोल इंडिया को देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे पावर ग्रिड को देख लीजिए, NTPC को देख लीजिए, कोई भी कंपनी BPCL को देख लीजिए, कितना जबरदस्त डिविडेंड पे करता है। तो यही वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पैसे की ज़रूरत होता है तो यहाँ पे वो इंटरनल मैटर हो जाता है, मतलब यहाँ पे बातचीत हो जाता है, तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे कर देता है, तो उसका एक यहाँ पे रहता है मतलब टाइम टू टाइम। तो डेफिनेटली दोस्तों इस टाइप का जो कंपनीज है PSU स्टॉक डिविडेंड पर्पस आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि वॉलेटाइल हो सकता है, तो ये आगे पीछे सोचने के बाद आप इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों हमारे इसमें लास्ट एंड फाइनल अपडेट है इंडिया का नंबर वन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री को दोस्तों कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, याद होगा आपको कि रिलायंस इंडस्ट्री और अमेजोन का जो केस चल रहा था वो फाइनली सॉल्व्ड हो चुका है, एंड रिलायंस इंडस्ट्री ने जो परसेंटेज था वो परसेंटेज मतलब जितना परसेंटेज एक्वायर करना था फ्यूचर ग्रुप के ऊपर एक्वायर कर चुका है। तो उसके ऊपर बेस करके दोस्तों आज की डेट पे एकदम देख सकते हो फ्रेश न्यूज़ 11 मार्च को आज की डेट पे आया है, टर्मिनेशन नोटिस टू 947 फ्यूचर ग्रुप स्टोर्स फ्रॉम रिलायंस। तो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे टर्मिनेशन नोटिस दिया फ्यूचर ग्रुप को, करीबन 947 स्टोर्स जो कि रिलायंस ने यहाँ पे एक्वायर किया है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, जितना परसेंटेज एक्वायर किया उसके अकॉर्डिंग टोटल 947 स्टोर को यहाँ पे टर्मिनेशन नोटिस। अब किस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो फ्यूचर ग्रुप का आप बोल सकते हो कि लोगो या यानी बिग बाजार हो गया, इजी डे हो गया, ये सारे जो स्टोर्स है उस मतलब ये ब्रांड को हटा के रिलायंस अपना ब्रांड यहाँ पे लगाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें फ्यूचर ग्रुप का बहुत सारा स्टोर्स है, जैसे कि 342 यहाँ पे टोटल बिग बाजार, फैशन बिग बाजार या आउटलेट वगैरह, 993 यहाँ पे और भी यहाँ पे बहुत सारा स्टोर्स है। तो बहुत सारा अच्छा यहाँ पे बोल सकते हो इंडिया के अंदर मार्केट कैप्चर एक समय था, बट बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी के होने के नाते दोस्तों ये लगातार घाटे में गया। तो अगर हम बात करें टोटल 1500 स्टोर यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पे रिलायंस ने एक्वायर किया टोटल 947 स्टोर को। तो ये 947 स्टोर्स को रिलायंस ने अभी फिर से रीब्रांडिंग करेगा। रीब्रांडिंग मतलब वो जो कंपनी का जो ब्रांड था बिग बाजार बोलिए या कोई भी नाम था, कोई भी नाम से था, ब्रांड फैक्ट्री हो गया, उस नाम को हटा के रिलायंस अपना ब्रांड का नाम देगा। उसमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि देखिए डेफिनेटली रिलायंस जैसे बड़े कंपनी का नाम अगर जुड़ जाता है ये सारे स्टोर्स के ऊपर, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप बोल सकते हो कि ब्रांडिंग के थ्रू भी यहाँ पे कंपनी जो अपना कस्टमर्स को गेन कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा ये न्यूज़ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा डायरेक्टली मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री को, जो अर्निंग्स है उसके अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी लगातार एक्वायर कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज को भी कर रहा है, छोटे छोटे कंपनीज को भी कर रहा है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एकदम सही कंपनी है, मेरा बहुत पहले से रिकमेंडेशन था। तो इसके अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई कर सकते हो। तो वीडियो कहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।